शुरू किया जाता है। मौलवी तवरुक अपने इल्जाम दायर करें। मैं अदालत शरीयत के सामने मोहम्मद दारशी को वर्क शाहबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां साबिक वलीअहद सल्तनत इस्लामिया हिंदुस्तान मुनादाना हकायत कातरियाना तालीमात का मुकदमा पेश करता हूं और गवाहों को हाजिर करता हूं। शहजादा दारा सिंह को मुनकर दीने इस्लाम है, हुजूर ये इस्लामी तालीमात की खुलेआम तोहीन करता है। इतना ही नहीं हुजूर, ये हाथों में अंगस्त्र पहनता है जिसकी एक तरफ अल्लाह तौबा तौबा हुजूर दूसरी तरफ ओम लिखा हुआ है। हुजूर ये गले में सलेब पहनता है। हुजूर वह वेदों को अल्बानी सहीफा कहता है और उनकी तालीमात को कुरानी हकमा के मुताबिक करार देता है। वह जात बनी को हिंदू और रूह मोहम्मदी को कल्ब जन्नती कहता है। वह आवागुन का कायल है हुजूर। इसके मरासिम मुनकर नबुव्वत मीडिया पर एक सन्नत फारसी से आया है। बाबा लाली रास और पादरी फौजियों के साथ इसके दीगर मजाहिब को भी समझने की कोशिश की, वेदों और तसव्वुफ में फिक्री ममासिलत को दरियाफ्त किया और फिशतों पर तहकीक किया और तर्जुमा किया, मुसलमानों और ईसाइयों में मुकालमे कराए, इसलिए नहीं एक दूसरे से नीचे दिखाया जा सके बल्कि इसलिए कि इन्हें करीब लाया जाए। मैंने तो महज नाम जन्नत अकबर आजम के काम को आगे बढ़ाया। क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैन इन तमाम मजहब के पैरोकारों को आपस में करीब लाना इस्लामी तालीमात के मुनाफी है? क्या हमारे बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह ने यही नहीं किया? और क्या मियां मीर ने सिखों के दरबार साहब का संगे बुनियाद नहीं रखा था? और क्या अमीर खुसरो ने नहीं कहा था कि हिंदुस्तान एक जन्नत अदन है जिसका तवाफ काबा भी करता है? मेरी तसानीफ सकीनतुल औलिया सकीनतुल औलिया हुस्नतुल आरिफैन मेरी तसव्वुफ से वाबस्तगी और बुजुर्गाने दीन से अकीदत की जिंदा सबूत है। मैं सिर्फ एक मुसलमान हुक्मरान नहीं था बल्कि सल्तनत हिंद का वली अहद भी था जिसमें कई मजाहिब और अकीदे के मानने वाले लोग शामिल थे। मेरी फौज में राजपूत भी थे मराठे भी थे। मैं सिर्फ एक मुसलमान नहीं था या फिर एक शहजादा नहीं था बल्कि एक शायर था एक सूफी था एक मुहक्किक था। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी नफरत की जगह मोहब्बत कसरत की जगह वहदत का पैगाम देता रहा। अपने इल्जाम साबित करने के लिए आप कोई सबूत या गवाह पेश करना चाहेंगे? उसी जनाब काजी साहब दारा की तस्नीफ सकीनतुल औलिया में लिखा है कि जहां कोई आरिफ कई साल की इबादत के बाद पहुंचता है वह मकाम मुझे भी हासिल हो गया। 20 साल की उम्र में बरोज पंच संभा मैं लेटा था कि गैस से 4 मरतबा भी रहा है कि जो चीजें तुम्हें जमीन पर किसी बादशाह को मैसर नहीं हुई वो चीजें खुदा ने तुम्हें दे दी। मुकदमा पंच पाहेन में लिखा है कि तारीख उस बुदायदाना की जिसने इस्लाम और खुद की घोषणा जो एक दूसरे के मुकाबले में अपने चेहरे पर और उनमें से कोई एक दूसरे रुपये मुबारक के लिए तुमने देखा था जब हम दहली में दाखिल हुए तो अवाम ने क्या पुरजोश इस्तकबाल किया हमारा। आज अगर औरंगजेब अपने पूरे जाहो जलाल लाव लश्कर ताकत और इमारत के साथ भी दिल्ली की सड़कों पर निकल जाए तो ऐसी मोहब्बत और ऐसी अकीदत देखने को ना मिलती। मोहब्बत और अकीदत खरीदे नहीं जा सकते, इनका तो तख्त से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। रियाया भीख मांगती है और हमरा तोहफे तहाइफ की उम्मीद रखते हैं।
मेरा असीम कारनामा तो यही था कि मैंने रियाया के दिलों में मुसलमान हुक्मरानों के लिए मोहब्बत पैदा कर दी, और यही मेरी फतह मुबीन थी कि एक शिकस्त खोर्दा बागी शहजादे के लिए सड़कों पर अवाम निकल आई थी, और एक फतह मुबीन बादशाह किले की चार दीवारियों में कैद था। मुजरिम के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत मौजूद है? मुजरिम, अब जब आपने तस्लीम कर ही लिया है तो फिर सफाई का हक भी मुझे क्यों दे रहे? अदालत की तौहीन नाकाबिले कबूल है। मैं ये कहने से जरा भी खौफ न खाऊंगा कि ये अदालत महज एक कठपुतली है जिसकी डोर उस पर्दा नशीन बादशाह के हाथ में है। मुजरिम दारा का लबेबाम रहने का हुक्म दिया जाता है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि मुल्ज़िम दारा वल्द शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां दीन और इस्लाम का बागी है। उसके नजरियात कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं, और उसके तसानीफ, उसके अंदाज और कुफर हक का मुंह बोलता सबूत है। इसलिए ये अदालत उस पर आए तमाम संगीन इल्जामात को दुरुस्त करार देती है और ये सिफारिश करती है कि मुल्ज़िम दारा को सजाए मौत दी जाए। शमशाहीन जिले इलाही औरंगजेब आलमगीर से दरख्वास्त की जाती है कि वो सजा की तस्दीक करके अमल दर अमल तरीके कार और तारीख का तय फरमाए। अदालत बर्खास्त की जाती है।